ओके तो C3S8 यानी साइकिल 3 सीजन 8 में अगर तुम रैंक पुश करने का सोच रहे हो तो ये वाला वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। इसमें तुमको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि तुमको रैंक पुश करते टाइम बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि तुमको सबसे पहले मालूम होना जरूरी है कि कितने पॉइंट्स पर कॉन्करर मिलता है और कैसे कॉन्करर मिलता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है। अगर तुम पहली बार पुश कर रहे हो तो ये चीज तुमको मालूम होना जरूरी है। तो देखो, कॉन्करर उन लोगों को मिलता है जो कि सबसे पहले तो एस करते हैं, एस के बाद सबसे ज्यादा पॉइंट्स जिन 500 लोगों के होते हैं वो कॉन्करर पे होते हैं। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, नीचे सबसे पहले जो ये एरो है यहाँ पे टच करना है तुमको, इसके बाद जाना है यहाँ पे रैंक में। ये तुम्हारा खुल जाएगा लीडर बोर्ड, यहाँ से तुम सोलो, डुओ, स्क्वाड, टीपीपी, एफपीपी ये सब सेलेक्ट करके देख सकते हो किस सर्वर में कितने पॉइंट्स चाहिए कॉन्करर के लिए। जैसे मान लेते हैं तुम सोलो टीपीपी में पुश करने वाले हो, तो सोलो टीपीपी में तुम्हारा रैंक कितना है तुमको लेफ्ट में दिखाएगा। सबसे पहले तुम जैसे एस कर लोगे उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे रैंक शो करने लगेगा। शुरू में परसेंटेज में रहेगा, 1%, 2%, 5%। जैसे ही तुम प्लस करते जाओगे तुम्हारा रैंक आएगा 10,000, फिर 5,000, 2,000, 1,500। जैसे ही तुम्हारा 500 रैंक लग गया, 24 घंटे तक यानी अगले सुबह के 5:30 बजे तक तुमको वो रैंक 500 के अंदर ही रखना है और तुम्हारा लग जाएगा कॉन्करेंट। इतना सिंपल सा काम है। तो अभी मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि हर सर्वर में कितने पॉइंट्स पे कॉन्करर लगता है सीजन के फर्स्ट वीक में, जब सीजन स्टार्ट होता है, फर्स्ट वीक के डे वन और फर्स्ट वीक के लास्ट तक, उसके साथ साथ सीजन के एंड तक, आखिरी तक भी अगर तुम रैंक पुश करते हो तो कितने पॉइंट्स पे तुम्हारा कॉन्करर लगता है। तो ये चीज अगर तुम्हें मालूम होगी तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कितना टाइम तुमको लगने वाला है। तो देखो, अगर सबसे पहले अपन सोलो टीपीपी की बात करते हैं तो सोलो टीपीपी में वीक के फर्स्ट, लाइक फर्स्ट वीक में सीजन के एस अगर तुम कर लेते हो सबसे पहले 4200 पॉइंट्स, तो तुम्हारा कॉन्करर पहले दिन पे ही लग जाएगा, क्योंकि शुरू में तुम अगर 4200 कर लिए तो तुम्हारा रैंक 500 के अंदर वैसे ही रहेगा और वीक के एंड तक लगभग 4300 से 4400 पॉइंट्स तक ही जाता है। पूरे सीजन एंड की बात करूं तो लगभग तुम 5400 पॉइंट्स कर लोगे सीजन के एंड तक भी, तो भी तुम्हारा कॉन्करर लग जाएगा 54 से 5600 पॉइंट्स। वो चीजें ऊपर नीचे होती रहती है, इवेंट वगैरह पे डिपेंड करता है और हैकर्स पे भी। डुओ टीपीपी की अगर बात करें तो तुमको वीक के स्टार्टिंग में 4200 पॉइंट्स यानी एस पे ही कॉन्करर लगेगा और फर्स्ट वीक के एंड तक लगभग वो पॉइंट्स चले जाते हैं 45 से 4600 पॉइंट्स तक, यानी एस मास्टर भी नहीं करना पड़ेगा फर्स्ट वीक के एंड तक, थोड़ा सा ही एस मास्टर से कम तुम्हारा कॉन्करर लग जाएगा। और सीजन एंड तक डुओ टीपीपी में 5900 पॉइंट्स से लेके 6100 पॉइंट्स तक तुम्हारा कॉन्करर लगेगा। 5900 टू 6100 पॉइंट्स सीजन एंड इन डुओ टीपीपी। टीपीपी स्क्वाड की अगर बात करें, यहाँ पे चलते हैं टीपीपी स्क्वाड, इसमें ना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा स्क्वाड में पुश करो, क्योंकि अगर तुम्हारा बहुत अच्छा स्क्वाड है, चारों बंदे तुम्हारे बहुत अच्छा खेलते हैं तभी पुश करना। तुम्हारी टीम में एक या दो बंदे अच्छे खेलते हैं, बाकी के दो बंदे ऐसे ही थोड़ा सा लाइक बहुत अच्छा नहीं खेल पाते, डिवाइस अच्छा नहीं है, तो वो उनके साथ तुम कॉन्करर नहीं कर पाओगे। तो सोलो और डुओ ही पुश करो, मैं सजेस्ट करूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। स्क्वाड में देखो, फर्स्ट डे पे 4200 पॉइंट्स एंड वीक के एंड तक, फर्स्ट वीक के एंड तक इस डोमिनेटर चला जाता है 5200 पॉइंट्स। सीजन एंड की अगर बात करें तो 7600 पॉइंट्स तक चला जाता है। गाइस सच बता रहा हूं, 7600 पॉइंट्स तुमको करने पड़ेंगे तब जाके तुम्हारा कॉन्करर होगा सीजन एंड इन स्क्वाड टीपीपी। 76 से 7800 पॉइंट्स के बीच में लगभग रहेगा। अब चलते हैं एफपीपी की तरफ। सबसे बेस्ट जो सर्वर है तुम्हारे लिए वो है सोलो एफपीपी। यहां पे इसका कुछ अलग ही सीन है। इसमें पहले तो तुमको बहुत कम पॉइंट्स पे कॉन्करर करना पड़ता है। कम पॉइंट्स पे कैसे, तुमको लाइक फर्स्ट वीक पे तो तुमको एस ही करना है, सेकंड वीक पे भी तुमको एस पे कॉन्करर मिलेगा, थर्ड वीक पे लगभग ये जाता है 4400 पॉइंट्स तक, मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम बता रहा हूं, एस से सिर्फ 200 पॉइंट ज्यादा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है ना, कुछ टाइम बाद लॉबी नहीं लग पाती क्योंकि सोलो एफपीपी में काफी कम लोग पुश करते हैं। सीजन एंड तक लगभग ये एस मास्टर जाता है मैक्सिमम 4700 पॉइंट्स से 4900 पॉइंट्स, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता क्योंकि लॉबी नहीं लगती ज्यादा। अब चलते हैं डुओ एफपीपी में। तो डुओ एफपीपी में लगभग तुमको एस से 4400 पॉइंट्स अगर तुम कर लेते हो, 4200 से 4400, तो फर्स्ट वीक के एंड तक तुम्हारा कॉन्करर लग जाएगा 4400। सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट्स भी अगर तुमने ज्यादा कर लिए ना एस में, एस के बाद फर्स्ट वीक में, तो तुम्हारा कॉन्करर लग जाएगा वीक के एंड तक भी। सीजन एंड की बात करें तो 4900 से 5200 पॉइंट्स यानी लगभग एस डोमिनेटर, वो भी मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम एस डोमिनेटर, उससे कम पे ही तुम्हारा कॉन्करर लग जाएगा। स्क्वाड एफपीपी की अगर बात की जाए तो 4200 से 4700 पॉइंट्स पे तुमको कॉन्करर लगता है फर्स्ट वीक पे, यानी फर्स्ट वीक के एंड तक अगर तुम एस मास्टर भी कर लेते हो तो भी तुम्हारा कॉन्करर लग जाएगा।
सीजन एंड तक ये लगभग 5600 से 5900 तक जाते हैं। 5600 पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं होते इस डोमिनेटर के बाद 400 पॉइंट और, तो इतना तुम अगर सीजन एंड तक करते हो तो तुम्हारा कॉन्करर लग जाएगा स्क्वाड एफपीपी में। ये सारी चीजें अगर तुम दिमाग में रखोगे तो तुम्हें तो लाइक समझ तो आ ही जाएगा कितने पॉइंट्स और चाहिए। इसके अलावा एक बढ़िया टिप दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे सीजन पे जाना, सीजन पे जाने के बाद ये जो बड़ा सा कॉन्करर का लोगो है, अगर तुम कॉन्करर पे होगे तो ये दिखाएगा, नहीं तो जिस पे भी तुम होगे वो तुमको यहाँ पे टैप करना है और यहाँ पे तुम्हारा कॉन्करर मिनिमम पॉइंट्स दिखा रहा है। देखो 5320 पॉइंट्स पे अभी कॉन्करर मिल रहा है किसमें, टीपीपी सोलो में, और अगर अपन डुओ सेलेक्ट करते हैं तो देखो कॉन्करर मिनिमम पॉइंट्स 5716 पॉइंट्स पे डुओ में कॉन्करर अभी मिल रहा है। इस तरीके से तुम पॉइंट्स चेक कर सकते हो और इजीली कॉन्करर पुश कर सकते हो। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी जैसे C3S7 का एंड है, एक बहुत ही लाइक कंफ्यूजिंग चीज़ है कि C3 Ascent आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइकिल पे ये जो बैज है, बैज पे ये दिखा रहा है कि देखो यहाँ पे C3S7 लिखा है, उसके बाद भी C3S7 ही लिखा है, फिर सीधा C3S9 है। तो एसेट का यहाँ पे शायद कोई ग्लिच है जो कि यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाया, इसलिए सबको लग रहा है कि C3 Ascent नहीं आने वाला, बट ज़रूरी नहीं है C3 Ascent नहीं आएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और अगर नहीं भी आता चलो बाय चांस, तो सर्वर रीसेट तो ज़रूर होगा, तो तुम्हारा रैंक वापस से रीसेट होगा, तो वापस से कॉन्करर पुश कर सकते हो। तो ये चीज़ के चक्कर में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं हो, एकदम नॉर्मल ही चलेगा, सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। रही बात इवेंट की, तो जो अभी इवेंट चल रहा है एंशिएंट अरीना, पॉसिबल है कि वही वाला इवेंट रहेगा, क्योंकि नया जो अपडेट है वो इसमें आ नहीं सकता, नया वाला इवेंट अपडेट की वजह से इसमें आ नहीं पाएगा, है ना। तो यही वाला इवेंट शायद पूरे नेक्स्ट सीजन चलने वाला, और बिना इवेंट के ये गेम कोई खेलने नहीं वाला, इसलिए इवेंट तो जरूर रहेगा, रिकॉल जरूर रहेगा। तो काफ़ी इजी है कॉन्करर पुश करना, और इसके अलावा कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो तुम नीचे ड्रॉप कर सकते हो, एंड टिप्स एंड ट्रिक्स तो आती रहेगी, और मैं खुद भी पुश करने वाला हूँ नेक्स्ट सीजन सोलो टीपीपी और डुओ टीपीपी, तो मज़ा बड़ा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया हो तो, एंड वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।